क्या आप जानते हैं मणिपुर के जो कुकी ट्राइब्स हैं वो इसराइल के यहूदियों के बिछड़े हुए भाई हैं। जी हाँ, ये मजाक नहीं है, ये दावा खुद इसराइल कर रहा है। मणिपुर में जब हिंसा हुई तो कुकी और मैतई दोनों खूब चर्चा में आए थे, और अब एक बार फिर जब इसराइल में लड़ाई छिड़ी है तो मणिपुर के रहने वाले कुकी कम्युनिटी के लोग भी इसराइल जा रहे हैं ताकि वो यहूदियों की तरफ से लड़ाई कर सके। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार हजारों साल से भारत में रह रहे कुकी का यहूदियों से क्या कनेक्शन है, और क्यों आसानी से नागरिकता नहीं देने वाला इसराइल इन्हें बुला बुला कर नागरिकता बांट रहा है। ये जानने के लिए हम आपको 8वीं सदी में लेकर चलते हैं। इस दौरान इसराइल में जंग छिड़ी हुई थी, विदेशी यहाँ हमला कर रहे थे और यहाँ के यहूदी अपनी जमीन छोड़कर भागने लगे थे, जिसमें वहाँ के मूल निवासी जिसमें 12 जनजाति भी शामिल थी, इनके कुछ लोग भारत आ गए क्योंकि ये लोग पहले से यहाँ व्यापार किया करते थे। ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों में आकर बसने लगे थे। इनमें से एक थे बेनी मिनाथी। ये लोग मणिपुर और मिजोरम में जाकर बस गए, यानी कि 8वीं सदी में ये लोग मणिपुर और मिजोरम के इलाके में आकर बस गए थे और यहीं के होकर रह गए। और ज्यादातर लोगों को ये याद भी नहीं रहा कि वो मिजोरम या मणिपुर के ट्राइब्स नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। धीरे धीरे 8वीं सदी से 19वीं सदी तक बीत गई और ईसाई मिशनरी भारत में आने लगे। ये लोग घूमते घूमते कुकी ट्राइब्स के इलाके तक पहुंचे और तब ईसाई मिशनरी ने पहली बार नोटिस किया कि कुकी कम्युनिटी के पूजे पाठ का तरीका, उनके रीति रिवाज यहूदियों के मिलते जुलते हैं। यहाँ पहली बार रिसर्च शुरू की गई थी। फिर साल 2005 में कोलकाता के सेंट्रल फोरेंसिक इंस्टीट्यूट ने पहली बार डीएनए टेस्टिंग के दौरान पाया कि कुकी ट्राइब्स का जेनेटिक लिंक इसराइल के यहूदियों के साथ है। कुकी और यहूदियों में खास तरह का जेनेटिक सीक्वेंस कोड देखने को मिला था, जो ये प्रूफ कर रहा था कि कुकी यहूदियों के बिछड़े हुए भाई हैं। इसराइल लगातार दुनिया में फैल गए अपने बिछड़े हुए लोगों की खोज करता रहता है और उन्हें वापस इसराइल में रहने के लिए बुलाता है। यहाँ इनके लिए कानून भी है जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा जाता है, जिसके मुताबिक बिछड़ कर कहीं और बस गए यहूदियों को इसराइल में बुलाया जाता है और उन्हें इसराइल की नागरिकता दी जाती है। ऐसे में कोलकाता के रिसर्च को इसराइल ने भी सही माना था और कुकी ट्राइब्स को इसराइल में द लास्ट ट्राइब की मान्यता दी गई थी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 8वीं सदी में वहां रहते थे और इसराइल के मूल निवासी 12 जनजातियों में से एक थे। ऐसे में कुछ कुकी इसराइल गए थे और वहां जाकर बस भी गए थे, लेकिन इसे लेकर थोड़ा सा विवाद है, वो भी आपको बताते हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि भारत से इसराइल गए यहूदियों को वहां गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बॉर्डर वाले इलाके में बसाया गया। ये वो इलाका है जो काफी डिस्टर्ब है और आए दिन यहां लड़ाइयां चलती रहती है। साथ ही वहां कथित रूप से इनके प्योरिटी पे भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि यहूदी लोग अपनी नस्ल को शुद्ध बनाए रखने के लिए काफी जोर देते हैं। शुद्धता से यहूदियों का मतलब है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ संबंध न बनाना या शादी न करना या फिर धर्म परिवर्तन न करना जैसी चीजें, लेकिन इन सब बातों को लेकर कोई ठोस फैक्ट मौजूद नहीं है। तो ये थी भारत के कुकी और इसराइल के यहूदियों के बीच का एक खास कनेक्शन, जिसके कारण कई कुकी आज इसराइल जा रहे हैं ताकि वो यहूदियों की तरफ से हमास के खिलाफ जंग लड़ सके।